ये देखिए हमने चिप्स बनाकर दूध पे सूखने के लिए रखे थे। हमारे देखिए फ्रेंड्स, आज हम घर पर बने अंकल चिप्स बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये 8 से 10 आलू छीलकर रेडी कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनको 3-4 पानी से धुलकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। आलू हमने 3-4 पानी से धुलकर रेडी कर लिए। अब हम इस तरीके का कद्दूकस लेंगे और इसको इस तरीके से हम इसके चिप्स काट कर रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरीके के चिप्स काट कर रेडी करेंगे। ये देखिए हमने चिप्स बनाने के लिए आलू ग्रेट करके कद्दूकस करके इस तरीके से चिप्स निकाल कर रेडी कर लिए। इसको कई पानी से धुलने के बाद हमने इसको स्ट्रेन करने रख दिया था। अब हमने गैस पर देखिए कुकर में पानी चढ़ा दिया है। हम इसके अंदर अब थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाला है। और अब हम ये जो चिप्स हमने कद्दूकस करके रेडी करे हैं वो भी हम इस पानी में डाल देंगे। ये देखिए हमारे चिप्स खूब अच्छे से खोल रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा गलाने तक पकाकर रेडी करेंगे। हमारे चिप्स अच्छे से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं फिर से। ये देखिए आप अपने इसको स्ट्रेन कर लेंगे। चिप्स हमने इस तरीके से पलट लिए। अब हम एक ये पॉलिथीन लेंगे, इसको पॉलीथीन में फैला देंगे और धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हम छत पर आ गए थे, हमने जो चिप्स काट कर रेडी कर रहे थे इस तरीके से पॉलीथीन में सुखाने के लिए धूप में छोड़ दिए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक टिप्स, हवा बहुत तेज होती है, हवा को रोकने के लिए, पॉलीथीन को उड़ने से बचाने के लिए हमने देखिए इसके अंदर साइड में जगह जगह सेलो टेप ब्राउन वाला लगा रखा है। आप भी इस टिप को जरूर यूज़ करके देखिएगा, इससे हमारी पॉलीथीन उड़ेगी नहीं और हमने जो चिप्स सूखने के लिए रखे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये देखिए हमारे चिप्स बनकर रेडी हो गए। इसको हमने धूप में सूखने के लिए रख दिए थे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि हमारे चिप्स कितने अच्छे बनकर रेडी हो। अब हम आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं। ये देखिए मेरे चिप्स कितने अच्छे भुनकर रेडी हो रहे हैं। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। दूसरा बैच फ्राई करके दिखाते हैं हमारे चिप्स कितने अच्छे भुनकर रेडी हुए हैं। फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस